फॉर्च्यून। ओ माय गॉड, ये क्या है? व्हाट इज दिस? सोना मिल चुका हम लोग को, हमारा चित्र प्लान। सभी बड़े और बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। इस चैनल की सभी वीडियो मजाक और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जाती है, तो इसमें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई सीरियस होता भी है तो फिर आओ कभी हवेली पर, और हैंड फ्री या हेडफोन जरूर लगाना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू बुरमुंडा ट्रायंगल एक्सप्लोर वीडियो जबलपुर। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, आइए देखते हैं, बैठ चल मजा आएगा। कैसा है ये ट्रायंगल, तो चल के देखते हैं और कैसा आपको दिखाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। भाई आप, हम लोग घने जंगलों में फंस चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जंगल नहीं सॉरी कौन सी जगह, पानी। तो अभी हम लोग जाएंगे उस ब्रिज के पास और हम बताएंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। चलते हैं अभी हम लोग, भाई दोपहर में भोसड़ी के यहाँ आवाज उठ गई। तो आप देख सकते हैं इतना संघर्ष। अरे भाई भाई, भरपूर संघर्ष करते हुए अभी हड्डी भी पड़ी है यहाँ पे, कोई शेर एर ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें ऐसा अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे शेर एर है, क्योंकि यहाँ पे डली हड्डियां दिख रही है आपको। सॉरी गाइस, अभी हम आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं आप मेरी चटक मटक टी शर्ट, चटक चूतिया लग रहा है। और हमें बहुत ही आज, हमें लगता है यहाँ पानी पीने नहीं मिलेगा और हगने के लिए सोचने पानी नहीं मिलने वाला। और अभी हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देख सकते हो तुम्हारा भाई अपने दोस्त के आईफोन से वीडियो बना रहा है। तो ये मेरा भाई है, ना सांप आप रहते हैं अंदर, आप वीडियो में आइए प्लीज। ये नोटिस कर सकते हैं आप, यहाँ पानी हम लोग को मिल चुका है, ये वाटर। अभी हम लोग यहाँ इमर्सन रॉड लगा देते हैं जब तक पानी गर्म होगा। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अरे मौसम भी कितना गजब का, ओह माय गॉड, बहुत सेक्सी मौसम है। नॉटी अमेरिका सेक्सी। और आप देख सकते हैं हम लोग को मिल चुका है यहाँ गोवा का पौआ। गोवा का पौआ मिल चुका है, जो सदियों पहले हमारे बेबड़ा दोस्तों द्वारा पिया गया यहाँ पे। और बिस्लरी की बॉटल और अभी हम आपको ब्रिज की क्वालिटी दिखाते हैं कि 500 साल पहले बना था ये ब्रिज, पता नहीं कैसे बना लिया था इन लोगों ने। तो जिनको नॉलेज है वो ब्रिज के बारे में आपको एक्सप्लोर करेंगे हमारे भाई जो आए हैं, जो कि डिस्कवरी वालों से इनका डायरेक्ट संपर्क रहता है। शुद्ध हिंदी में आपको एक्सप्लोर कराएंगे आज ब्रिज। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, भोसड़ी वालों ने वहाँ से नहीं बनाया, ये बीच से बनाया है, क्या एडवेंचर। चलो दिखा दें आपको, ओह माय गॉड। तो ऐसे कि हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रिज के पास। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए झुंझुना ब्रिज, आप ये झुंझुना ब्रिज को एंजॉय कर सकते हैं। झुंझुना ब्रिज, ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं झाटू ने झाड़ से पानी के लिए ब्रिज बना दिया है। ये देख सकते हैं आप, नोटिस कर सकते हैं, ये झाड़ से पानी के लिए झाटू ने ब्रिज बना दिया। ये देखिए इतनी मेहनत, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या क्या। तो गाइस अगर आप ऐसी लोकेशन में फंस जाए तो क्या करें, आज हम आपको बताएंगे एक्सप्लोर करके पूरा। ये देखो टूटा टाटा ब्रिज है, सबसे पहले थोड़ा हिलाएं आधा घंटा, पहले तो हिलाएं अपने माइंड को रिलैक्स करें, उसके बाद आपका दिमाग काम करेगा, मुझे पता है आप मुठ्ठा लो। ओ माय गॉड, और हम लोग आपके लिए इतना रिक्स उठाते हुए बहन चौड़ में खिलने छुट जाए, छुट गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोर वीडियो आपके लिए बनती हुई। तो अभी हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं और माँ छुट गई, ये तो धमाल पिक्चर का ब्रिज है। हेलो गाइस, तो आप नोटिस कर सकते हैं पहले के बुजुर्ग भी अपने जहाटों के लिए ब्लेड इस्तेमाल करते थे। अबे साले जंग वाली, ओ बहन चाहिए तो 500 साल सॉरी इसको फेंकते हैं। आप देख सकते हैं ब्रिज का निर्माण आधा ही हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ फंस चुके हैं, चलो सोचने के लिए पानी तो मिल ही गया, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग का काम चल जाएगा। तो अभी हम आगे चल के आपको एक्सप्लोर करते हैं क्या कैसा है। प्यास भी लग रही है, यहाँ पे मच्छर है काफी, काट लेंगे तो बाबासीर हो जाएगा, सॉरी मतलब गाड़े फोले हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ बियावान जैसी जगह में हम लोग फंस चुके हैं, पीछे ही होटल है, सॉरी नहीं होटल नहीं है, ओयो है।
अभी और चल के याद रखना है टॉल कहाँ है, ठीक है टॉल ये देखे। तो अभी हम आगे चल के और आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसा व्यू है। तो अभी चलते हैं आगे और चप्पल की बद्दी उखड़ती हुई बहनचोद मार चुट गई। मैं गरीब हूँ नहीं जा रही अंदर, अबे मार चुट गई। ये देखो भाई चप्पल ठीक हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बोरमुंडा ट्रायंगल और हम लोग एंजॉय करते हुए यहाँ पे कौन बोल सकता भोसड़ी के हम लोग फंस गए हैं, फंस नहीं गए हैं। तो आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। अभी अभी मैंने क्या अभी मैंने हिला के मसौरी मतलब हिलाया नहीं, देख सकते हैं आप एंजॉय करिए। और यहाँ पे ही लाखों करोड़ों जहाज फंसी हुई है लेकिन कोई भी यूट्यूबर कोई भी ब्लॉगर पता नहीं लगा चुका है, हम लोग लगाएंगे बोरमुंडा ट्रायंगल में आके हम लोग इसका रहस्य जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग बताएंगे आपको कि आखिर जहाज जाती कहाँ है। तो इतनी तुम्हारा भाई भरी धूप में इतनी मेहनत कर रहा है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, आपको मजा ही आने वाला है। तो अभी चल सकते हैं आप देख सकते हैं भोसड़ी का पानी है नहीं जहाज जाती कहाँ है, ये मार की चूस कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको आगे चल के दिखाते हैं जहाजों का रहस्य। ए मदद चो कहाँ की जहाज बताओ। तो तुम्हारे भाई का भी एक छोटा सा सिंगाड़े पकड़ने वाला जहाज डूब गया था यहाँ, तो सॉरी सिंगाड़े तोड़ने वाला। तो अभी चलते हैं आगे भोसड़ी का पानी है नहीं जहाज है गई कहाँ। मेरे को यहाँ की सबसे खतरनाक बात ये लगती है जब यहाँ लोग बाग नहीं तो ब्रिज कौन झाड़ू ने बनाया, ब्रिज भी इतनी बहुत ही मजबूत 500 साल पहले। हम कहीं भी जाते हैं एक्सप्लोर करने तो पूरा इतिहास जान लेते हैं उसका, तब जाते हैं उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाते हैं, वरना हम लोग ऐसे जाते नहीं कहीं। कई लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था भाई जहाज डूब रही हम लोग की इसके बारे में आप बताइए, तो हम लोग बस बोरमुंडा ट्रायंगल आपको इसलिए लेके आए हैं जबलपुर का बहुत ही खतरनाक। और गांड फटे पड़ी हम लोग की मार चुप गई बहन चुप ये मां का बहुत बड़ा मांडा। अरे भाई 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 क्या भाई भाई भाई, भाई, भाई नोटिस कर सकते हैं टट्टी भोसड़ी क्या बताऊं अब मैं आराम से भाई। तो आप देख सकते हैं भरी दोपहरी में तुम्हारा भाई कैप लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ फंस चुके हम लोग को, सोचने के लिए पानी तो मिल गया पीने के लिए नहीं मिल रहा है। आरओ का पानी यहाँ मिल चुका हम लोग का, सॉरी मतलब आरओ कहाँ भेज चुके। तभी तो भोसड़ी के इतने सारे जिंदा है इतनी जहाज वाले। और हम आपको आगे चल के और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्हीं झाड़ियों के पीछे टपा टप होता है। सॉरी इग्नोर करो, तुम्हारे भाई ने आईफोन ले लिया मतलब दोस्त का। तो ये भोसड़ी एक्सप्लोर करने लेके आए थे आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, प्लीज हमें बताइए हमारे भाई बंधु लोग कहाँ हैं, इतनी जहाज़ें फंस चुकी हैं कितने मछुआरे डूब चुके हैं यहाँ पे बताइए। कोई बताने की कोशिश नहीं कर रहा है क्योंकि इनको भी नहीं पता यहाँ पे हम कहाँ आ गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ बोरमुंडा ट्रायंगल एंजॉय करने की सबसे अच्छी जगह हम लोग को मिल चुकी है, हम लोगों को लगता है यहीं से हम लोग को जहाज बुलाना पड़ेगा। प्लीज़ देखिए कोई हम लोगों को और जहाज भेजिए, हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। हाय कोई भेजेगा प्लीज़ भेज दो प्लीज़, फंस गए हम लोग बोरमुंडा ट्रायंगल में, मेरे को लग रहा है तूफान आएगा और हम लोग की मां चुट जाएगी। तो फंसने के बाद यार मुझे नहीं लगता बहनचोद यहाँ कोई आने वाला है, सरकार को हमारी चिंता नहीं है, सरकार हम लोग को बोलती है भोसड़ी के मर्दा कोई दिक्कत नहीं। सरकार से इजाज़त लेके आए थे हम लोग यहाँ से एक्सप्लोर वीडियो बनाने के लिए, उन्होंने बोला था गांडू मरना तो मर जाओ। ये देखिए मुझे लगता है वो क्या है बहनचोद जहाज का टूटा हुआ हिस्सा पड़ा हुआ है, यहीं से कोई खुफिया रास्ता है। तो और मुझे नहीं लगता सरकार हमारी मदद करने के लिए जहाजों को भेजेगी हम लोग को, सॉरी जहाज तो आते नहीं गाड़ फट जाती है, प्लेन आएगी यहाँ पे। और जो हम लोग के साथ आए थे भाई जो कि एक्सप्लोर वीडियो बनाते हैं हम लोग के साथ मतलब बताते इसके बारे में बोरमुंडा ट्रायंगल के बारे में, उन्होंने रिसर्च करके रखी थी, उनकी गाड़ फट चुकी है यहाँ आके, उनको भी नहीं पता था यहाँ ऐसा कुछ होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सांप आप मिल गया मगर क्रोकोडाइल आ सकते हैं लेकिन तुम्हारा भाई सबकी माँ चोद देगा आज। तो आगे आप चलते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, तो चलते हैं आप घर और आगे चलते हैं भाई। अब हम लोग आगे चलते हैं मतलब अपने वापस साइकिल की तरफ
सॉरी गाड़ी की तरफ सकते हैं आप, भरपूर मात्रा में पानी दिख ही नहीं रहा। अबे ऐसी हालत हो गई है बहुत सड़ी, क्या बहुत ही मेहनत करता हूँ तुम्हारा भाई, ऐसा लगता बरमंडा के बरमंडा के लोगों ने भी होली मनाई है। देखो आप सफ़ेद सफ़ेद पियर ईयर फूड़ी हैं, कांचों से भरी होली, मुझे समझ में नहीं आता भोसड़ी के जबलपुर से इतने दूर हगने क्यों आते हैं। टट्टियाँ डली हैं यहाँ पे, वो नहीं दिखा सकता आपको, वरना वो भी दिखाता है। तो अभी हम उसी ब्रिज से चढ़ने वाले हैं जिस, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हम लोग के पास दूसरा, इसी ब्रिज से चढ़ेंगे हम लोग, इसके अलावा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ये देख सकते हैं आप चारों ओर कोई रास्ता नहीं है, इसी चल के हम लोग जाना पड़ेगा वापस, कोई रास्ता हम लोगों को दिख नहीं रहा है, इसी रास्ते से हम लोग को वापस जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं ब्रिज के ऊपर ही हूँ, जो कि आपने पहले ही, और ऐसे खील हैं जैसे गांव वाले में छिप जाए, आराम से चलते हैं। तो भाई ओ भाई साहब आराम से चलो, और ओ माय गॉड ओ पतली चू, मुझे समझ में नहीं आता ये ब्रिज क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, इसका क्या उपयोग है। तो मैं तो यही करूँगा कि इसका नाम जो भी रखा, जिसने भी रखा है बरमुंडा ट्रायंगल जबलपुर, नाइस नेम। और अभी ओ माय गॉड चारों ओर देख सकते, कहीं जगह नहीं है आज जाने की। ओ ये क्या है। अभी आगे चलते हैं, और ये एक देख सकते हो झुमरी तलैया। हेलो गाइस, ठीक है आप नोटिस कर सकते हैं क्या है भैंचू, ओ माय गॉड ये क्या है, व्हाट इज दिस, सोना मिल चुका हम लोग को, हमारा अच्छे तो प्लास्टिक है, सॉरी सोना है, क्या है ये लुल्ली, इसको चला के क्या कर, प्लास्टिक की साइकिल होगी उसका पैडल है। ओ माय गॉड बूढ़े लोग आज भी प्लास्टिक की साइकिल चलाते थे, सॉरी मतलब 500 साल पहले। ओ माय गॉड चाइनीज खाने के लिए मिल चुकी चम्मच, अरे आप किसी गांव में भी डाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढक्कन है, चम्मच है, तो भोसड़ी के बरमंडा ट्रायंगल से घर कौन जाना चाहेगा। सब चीज की सुविधाएं यहाँ हगने मूतने की, बिस्लरी बॉटल से लेके बियर सब चीज तो सब है, तो आखिर कौन घर जाना चाहे, कोई नहीं, तो हम तो घर जाएंगे। ये देख सकते हो आप जूते चप्पल ही मिल जाएंगे यहाँ पे, ओ ये तो किसी लड़की का है, यहाँ पे ओया तो नहीं हो रहा था, चिप्स चिप्स भी मिल सकते हैं आपको यहाँ पे, बरमुंडा ट्रायंगल, व्हाट इज दिस प्लेस, नाइस प्लेस ब्रो, ये देखिए क्वालिटी हेयर बैंड्स, चोटते समय सॉरी मतलब घूमते समय लड़कियों का गिर चुका हेयर बैंड, तो मैं उसको देना चाहूंगा, ये लीजिए आप रख लीजिए। हेलो भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को मिल चुका ऊपर जाने का रास्ता, और ये पानी की पाउच फुल गंदी करके रखे हम लोग के बरमुंडा ट्रायंगल में, चलो पानी पियेंगे प्यास लगती है बाग भोसड़ी के। तो हेलो गाइस, अगर आपको ये बरमुंडा ट्रायंगल एक्सप्लोर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट बकचोदी में, गुड नाइट, ओ माता अच्छो सॉरी गुड आफ्टरनून और लौड़ा क्या गुड मॉर्निंग कुछ भी, बाय। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।